अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रऊफ हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि YouTube चैनल हमारा है इंडस न्यूज़, इसको सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी मालूमात मिलेंगी और आप पाकिस्तान का इमेज बाहर पहुंचाने में मददगार भी साबित होंगे। वेलकम टू द शो, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेख रशीद कहते हैं कि हम रابطے में हैं, और हम के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी ज़ुबान उन्हें समझ आती है वो भी रابطے में हैं। तो क्या मुराद है, कुछ क्लैरिटी लेंगे इस स्टेटमेंट पे? हम कोशिश करेंगे रابطہ करने की किसी सीनियर लीडर से जो इसको क्लैरिफाई कर सकें। इसके अलावा अगर मौलाना से कोई बारगेनिंग होती है, कोई नेगोशिएशन होती है गवर्नमेंट की, तो मैक्सिमम और मिनिमम वो क्या ऐसी बारगेनिंग चिप होगी जिस पर वो एग्री करेंगे? ये भी अभी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है आई वुड से, जिसको अपने पूरे जो कार्ड्स हैं वो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान अभी तक। अज्यूम करेंगे कि क्या हो सकती है वो चीज़। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ के ख़त के बाद तो बहुत खुल के सामने आ गई है कि भाई भरपूर साथ देना है हमने फजलुर रहमान का, लेकिन शहबाज शरीफ की जो रिलक्टेंसी है उसके होते हुए क्या ये हाफ बेक्ड प्रोडक्ट की तरह नून लीग की सपोर्ट सामने आएगी या फुल ब्लोन किस्म की सपोर्ट होगी? और अगर बहुत उस तरीके से फॉलो नहीं करते शहबाज शरीफ जिस तरीके से नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इज़ दिस पार्टिंग ऑफ द वेज इवेंचुअली फॉर नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ? ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान का जो मिशन है मसालेहत का, वो हम सभी जानते हैं। आज उन्होंने सऊदी अरेबिया जाना है, महंगाई पर उन्होंने बहुत हैरत का और बरहमी का इजहार किया है, तो गवर्नमेंट कब तक हैरान और परेशान होती रहेगी जबकि ही एंड दे शुड बी द वन हु आर कंट्रोलिंग थिंग्स? इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज उमर जावेद मौजूद, वजाहत साहब हैं और सलमान आबिद है। वेरी वेलकम टू द शो। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सलमान साहब? शेख रशीद, दो मिनट के लिए अज्यूम करें कि हम रابطے में हैं और जिन लोगों की ज़ुबान इनको समझ आती है वो रابطے में हैं। मौलाना को देखें तो वो बड़े हेड ऑन तैयार लगते हैं धरने के लिए, और इनको देखें तो ये लगता है ये भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए, बड़ी सादी सी बात है। एक तो ये है कि कुछ सियासी लोग हैं जो पसे पर्दा मौलाना फजलुर रहमान और JUI के साथ रابطے में हैं। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहांगीर तरीन हैं, असद कैसर हैं, परवेज खटक हैं, ये लोग किसी न किसी शक्ल में इस वक्त उनके साथ रابطہ कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनके साथ कोई चीज़ बात तय हो जाए कि किस हद तक वो आगे जाएंगे। दूसरी बात जो शेख रशीद साहब ने की है वो भी ठीक बात है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की दाखिली सूरत हाल है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी आज़ादी मार्च का उनका कंसर्न नहीं होगा, लेकिन धरना देने के ऊपर, एक लंबे अरसे तक वहाँ बैठने के ऊपर, और जिस किस्म का कैडर मौलाना फजलुर रहमान ने कल दिखाने की कोशिश की है जत्थाबरदार, उसके ऊपर यकीनी तौर पर उनके भी कंसर्न्स होंगे, और यकीनी तौर पर वो भी कोई ना कोई सॉफ्ट मैसेज जो है वो फजलुर रहमान तक पहुँचा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जी आपके क्या प्लान हैं, क्या मंसूबे हैं और किस हद तक आप आगे जाएंगे, और ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। वो रेड लाइन क्या हो सकती है? लेकिन रेड लाइन ये हो सकती है कि आप आए जब जहां जहां से जुलूस जलसे निकाल रहे हैं वो निकालते जाएं, इस्लामाबाद में आ जाएं, इस्लामाबाद में कुछ जगह तय कर लेते हैं, वहां आप आज़ादी मार्च का एक बड़ा जलसा कर लें और जो भी आपने हुकूमत को एक अपना अल्टीमेटम देना है वो दे दें। धरने की शायद इजाज़त जो है एक लंबे अरसे की, उसकी एक वजह यह है, जब एक दफ़ा धरना बैठ जाता है और ख़ासतौर पर JUI का जैसा कैडर जो मजहबी जमातों पर मदरसों पर मुश्तमिल कैडर है, जो उनका नज़रियाती कैडर है, उनके साथ उनकी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग है, फिर उनको उठाना वहाँ से वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि इनको यहाँ ये मौका पहले प्रोवाइड किया जाए, जैसे गलती PTI के साथ हुई थी। आपको याद होगा PTI को जब इस वक्त चौधरी निसार साहब ने हमारे साथ हाफिज हमदुल्ला मौजूद हैं लाइन पे, JF के सेनेटर हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, वो अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि शेख रशीद की अभी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को रابطے में होना चाहिए मौलाना के साथ, आपकी जमात के साथ, वो लोग रابطے में हैं और वो लोग हैं जिनकी ज़ुबान ये समझते हैं। आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपने शेख रशीद की बात की, एक तो शेख रशीद की बात को हम इतना संजीदा लेते नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद जो है वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। उसकी जितनी भी बातें वो सिर्फ चुक्के के तौर पर नाबीने की पत्थर की तरह वो फेंकते हैं, कभी कभार उनके सर पर लग के उनके सर पार जाती है।
تو لہٰذا ان کو تو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ سمجھنے والے پلانا والے مولانا سے بات کریں گے, تو وہ جرات کرے ان کا نام لے لے, کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو مولانا سے رابطے میں ہیں اور مولانا سے بات کرتے ہیں, بات کی سمجھ ہے ان کو, یہ وضاحت کر لے, پر اس پر ہم رد عمل دے سکتے ہیں. صحیح, کہ وہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس ظاہر ہے اس وقت ایک اس طرح کا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ جنرلائز سا ہے, کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھٹ جائے, الیکشنز دوبارہ سے ہوں. باقی آپ بہت بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ سیاست میں جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو کوئی تھوڑی سی اس سے لو لیول کی جو ڈکلیئرڈ ہوتی ہے اس سے لو لیول کی کوئی بارگیننگ چپ ضرور ہوتی ہے. تو بیسکلی اس دھرنے اور مارچ کے لیے اگر گورنمنٹ سے بات چیت آپ کی ہو رہی ہے یا ہوتی ہے تو کس منیمم چیز پہ آپ لوگ ایگری کریں گے؟ دیکھیے, جمعیت علماء اسلام اکیلے نہیں ہے, تمام اپوزیشن کی جماعتیں اس بات پر متفق ہے کہ وہ اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. صحیح, یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے, یہ 26 جولائی 2018 متحدہ اپوزیشن کی بیٹھک کے بعد مشترکہ اعلامیہ ہے. جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا, 26 جولائی کو تمام اپوزیشن جماعتوں کا اعلامیہ یہ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی نیگوشیشن ہوتا ہے اور جمعیت علماء اسلام یا متحدہ اپوزیشن جماعتیں, یہ جمہوری جماعتیں, یہ مذاکرات پر یقین رکھنے والی جماعتیں, لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کون آتا ہے بات کرنے کے لیے, وہ ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے, وہ بے بس اور لاچار ہے, کسی کی سہارے پہ حکومت میں ہے یا خود پاور فل ہے, ان کی حیثیت کو بھی دیکھنا ہوگا. دوسری چیز اس کو بھی دیکھنا ہوگا, گورنمنٹ میں سے آپ سے رابطہ کیا ہے, کچھ لوگ ہیں جو آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو اہداف اور مقاصد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بات کو کتنی ترجیح دی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی. ابھی وہ کس کو استعمال کرتے ہیں مذاکرات کے لیے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جن کو پتہ ہے وہ نام بتا دے کہ کون ہے جو ہماری قیادت سے رابطے میں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, آپ نے خود کہا کہ آپ کی ایک جمہوری جماعت ہے اور آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہے ڈیموکریسی کے لیے اور ایک جمہوریت پہ بیسڈ سیاست کرنے والی جو جماعتیں ہیں اس میں جے یو آئی ایف کا نام آتا ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوا تھا دھرنے میں جب ہم نے طاہر القادری جیسے صاحب کو دیکھا کہ وہ کفن کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آخری غسل لے لیں, اور بڑا کنڈیم کیا تھا ہم نے کہ آپ اس جانب چیزوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے طاہر القادری کی جماعت کے ساتھ, کیونکہ آپ تھورلی پولیٹیکل تھاٹ رکھتے ہیں آپ کی جماعت. تو اس طرح کے ذہنیت رکھتے ہوئے, اس طرح کی لیگیسی رکھتے ہوئے, یہ جو ہم نے لٹھا بردار کچھ لوگ دیکھے, ڈنڈا بردار لوگ دیکھے, یہ اس طرف آپ کو کیوں جانا پڑا اور اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے بی بی, بات یہ ہے, یہ آپ میڈیا والوں نے بہت بڑا ایشو بنایا ہے اور موجودہ حکومت, ابھی تک ہم نے آزادی مارچ شروع نہیں کی ہے, حکومت ابھی سے ان کی پاؤں لڑکڑا رہی ہے, کانپ رہی ہے اور خوفزدہ ہے. یہ ہمارا اپنا رضاکار ہے جو پارٹی کے اندر پارٹی ڈسپلن اور پارٹی کی جلسوں کو مینٹین کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ آج کا نہیں ہے, جب سے جمعیت علماء اسلام ہے ہمارا منشور اور دستور ہے, اور بالخصوص الیکشن کمیشن میں جو ہمارے ڈاکومنٹس ہے جس کی رجسٹریشن ہوئی ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور یہ جو ہم جلسے کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ 5 سال پہلے 10 سال پہلے 20 سال پہلے 2001 میں یا 2000 میں ہمارا بہت 20 لاکھ کا اجتماع ہوا پشاور میں, اس وقت بھی یہی رضاکار تھے, اور 20 لاکھ یا 15 لاکھ کے اجتماع کو مینٹین کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کو پانی پلانا, قیادت کا استقبال کرنا, ان کو سیکیور رکھنا, یہ تمام انتظامات ہمارے ان رضاکاروں کے سپرد تھی. لہٰذا پہلی دفعہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ریاست کے خلاف فورس ہے. آپ دیکھتے ہیں قومی ترانے بھی ہے, اس میں پاکستان کی جھنڈے بھی ہے,
خدا نہ کرے اگر پاکستان پر کوئی مشکل آئے گی تو یہ رضاکار جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یہ ہمارے فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف لڑے گی. کوئی ایسی خوف کی بات نہیں ہے نہ ڈر کی بات. بہت شکریہ آپ نے یہ کلیریفائی کیا. لاسٹ کوسچن اگر آپ جواب دے سکیں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بظاہر تو عمران خان کے انڈر بنی ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اصل میں تو کوئلیشن ہے, بہت ساری پارٹی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو حصہ اس کا بن کے انہوں نے ایک طرح کی حکومت فارمولیٹ کی ہے, اس سارے سیٹ اپ میں سے آپ کس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں گے اگر کوئی ڈائریکٹلی رابطہ کرتا ہے آپ سے؟ دیکھیں یہ جب یہ بات کرنے کے لیے آئیں گے اسی وقت دیکھتے ہیں کہ کون آئیں گے بات کرنے کے لیے, فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ کس سے بات کرنی ہے اور کس سے بات نہیں کرنی ہے. Alright. بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. سینیٹر الحمدللہ ہم سے بات کر رہے تھے, جے یو آئی ایف کے بہت کی فگرز میں سے ہیں, کی پولیٹیکل فگرز میں سے ہیں. اور ایک کلیریفیکیشن عمر جو انہوں نے دی ہے کہ یہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, یہ جتنے بھی ڈنڈا پکڑے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے یہ تو ہمارے رضاکار ہیں, وہ وہاں جب ہم جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں پانی پلانا لوگوں کی خدمت کرنا یہ تو وہ ہے. تو کیا یہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کبھی اس طریقے کا کوئی رضاکار جے یو آئی ایف کا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. جو سچی بات رضاکار بھی نہیں دیکھے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی میں ایک بات کرتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کئی بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں, ان میں کبھی بدنظمی بھی نہیں دیکھی. جو سچی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رضاکار ہمارے سامنے ایسی کوئی نظیر ہے نہیں کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہو. جس طرح آپ نے بڑا اچھا حوالہ دیا ترون القادری صاحب کا, آپ دیکھیں گے ان کے بندے تو اس حد تک تیار ہو کر آئے ہوئے تھے جب پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں پلاس تھا, اسلحہ تھا, تاروں کو ختم کرنے والے آلہ تھا, پورا ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں. یہ جو ترون القادری صاحب 2014 میں آئے تھے اگست میں, تو اس طرح ابھی ہمارے پاس جمعیت علماء اسلام کی کوئی نظیر ہے نہیں. یہاں دیکھیں کے پی کے اندر نا کچھ سیاسی روایات بھی ایسے ہیں, جیسے یہ تو ایک چلیں وہ مذہبی جماعت کا لیبل ہے جمعیت علماء اسلام پر. اب اے این پی ایک سیکولر جماعت ہے, ایک پروگریسو جماعت ہے, بلکہ وہ اپنے پاسٹ ہسٹری میں اس کو لیفٹ کی جماعت میں تصور کیا جاتا ہے. اس کے پاس بھی جو اگر ہم رضاکار دیکھیں نا, وہ سرخ پوش وردی والے اور وہ سرخ پوش ڈریس پہن کر جب بڑے جلسے ہوتے جماعت اسلامی کی ہسٹری ہے اس طرح کی, تارا القادری کی ہسٹری ہے اور فرقہ پرست جماعتیں ہیں ان کی واضح تاریخ ہے. جمعیت علماء اسلام کا پاکستان میں اس طرح کی ہسٹری ابھی ہے نہیں کسی جلسے جلوس میں ان کے رضاکاروں نے کسی قسم کی گڑبڑ کی ہو, املاک کو نقصان پہنچایا ہو, ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا ہو. آرگنائزڈ ہوتے ہیں بٹ ابھی کیونکہ میرے خیال ہے دس از فرسٹ ٹائم کہ حکومت گرانے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے دم پر فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں, تو اس کو اگر ریلیٹ کریں اس یونیفارمڈ ملیشیا سے تو پھر تھوڑا سا الارمنگ ضرور لگتی ہے سچویشن. لیکن بہرحال ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن وجاہت صاحب وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم سے تو ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا, تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس چیز کا کانفیڈنس ہے یہ؟ میری اطلاعات کے مطابق اب سے ایک ہفتہ پہلے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا تھا اور رابطہ کم و بیش انہی حلقوں کی طرف سے تھا جن کی طرف شیخ رشید نے اشارہ کیا, اور میری اطلاع کے مطابق وہ رابطہ کچھ زیادہ خوشگوار نتائج تک نہیں پہنچا. اس وقت دو نکات پر سنارا میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آزادی مارچ کہیے اس کو یا دھرنا کہیے جس طرح سے بھی ہے, یہ اس وقت اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے جو جمہوری کوفتوں کو جس پہ غور کرنا ہے. 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تو انہوں نے کہا کہ انتخابات جو ہے ان میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا چار حلقوں سے جیسے بات شروع ہوئی تو اس وقت ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ صاحب یہ دھاندلی کس نے کی ہے. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور وہ حکومت گرانا چاہ رہے تھے. اس وقت اس دھرنے کے سامنے دو میں سے ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اس پہ میں میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. اگر تو صرف عمران خان صاحب کی حکومت گرانا مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر جمہوری ٹارگٹ ہے. نہیں, اور اس طرح گر جائے گی کیا؟ ہاں, یہ تو صورتحال دیکھ کے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے نا. اور ہاں, یہ جو استمراری یعنی بار بار ہونے والا دھاندلی کا شائبہ جس جو ہر 8-10 برس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا کہ 1990 کے انتخابات میں یہ ہوا تھا, جیسے سپریم کورٹ نے تسلیم کیا, ٹھیک ہے,
या जैसे एक साहब जो बड़े, ये तो फिर सर हर इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स बन जाएंगे। लेकिन ये मैं आपसे ये एक रवायत बन जाएगी। जी बिल्कुल, वो रवायत नहीं बननी चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के रहने वाले जानते हैं कि इस मुल्क के 11 कौमी इंतखाबात में धांधली के ताने बाने कहाँ जाते हैं। और दूसरी बात में और उस पर उसका फैसला करना कि उस धांधली की तरफ टारगेट करना है, यानी शफाफ इंतखाबात की बात करना है, या सिर्फ हुकूमत गिराना है। तो फिर तो सलमान साहब कोई डिजिटल निज़ाम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, मौलाना साहब को कोई ऐसी रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए थी। 11 छोड़ के मेरी तरफ से आप आज तक हिस्ट्री में जितने इलेक्शंस हुए हैं आप उनको कह दें वो रिग्ड थे, लेकिन ये जो प्रेसिडेंस सेट होने जा रहा है इसको कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। एक तो ये रस्साकशी है, ये तो स्टेट पे आप जब मर्जी कर दें। पाकिस्तान में सियासी तौर पे सब लोग जानते हैं कि 2002 के इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी थी, और ये जो MMA जिसने इंतखाब जीता था फजलुर रहमान साहब, और वो किस तरह से सीटें ली थी, तो मौलाना से ज्यादा तो नहीं जानते कोई कि कौन इंतखाबात में किस तरह से लोग पीछे पेनिटेट करते हैं, क्या रोल होता है। सवाल ये है मेरा कि अगर 1.5 साल के बाद या 1.25 साल के बाद आप हुकूमत को भेजना चाहते हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं, कौन इनको जमानत देगा कि अगले इंतखाबात शफाफ होंगे? क्या इसकी जमानत ये है कि जब वो खुद आएंगे ना, वही ना, तो मैं कह रहा हूं उनकी जमानत ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जीत जाएं तो वो शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, मौलाना की जमात जो है उसका मेजर स्टेक जो है वो KPK के चंद डिस्ट्रिक्ट है, पूरा KPK नहीं है, और बलूचिस्तान के कुछ जिले हैं। अच्छा, अब मौलाना फजलुर रहमान जी कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? देखिए, जो तय करना था पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और PMLN, अभी अब 2018 के इंतखाबात के बारे में आ जाए, 2018 के इंतखाबात अगर धांधली शुदा थे, इमरान खान तो गए थे ना अदालतों के अंदर, ये अभी तक कितने अदालतों के अंदर गए हैं, कौन सी अदालतों में ये मुकदमे लेके गए हैं खुद मौलाना साहब कि जी फला फला नशस्तों के ऊपर धांधली हुई है, यहाँ के इंतखाबी नतीजे को मैं चैलेंज करता हूँ। अब वो वहां कोर्ट में गए नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में गए नहीं, सड़कों पर आ गए, अब वो कह रहे हैं कि मैं हुकूमत गिराना चाहता हूं। आप देख लीजिए, हम सब देखेंगे कि 27 तारीख को बहुत कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन दे देंगे, असेंबली टूट जाएगी, पार्लियामेंट टूट जाएगी, और नए इंतखाबात हो जाएंगे। अगर ये तमाशा होना है तो फिर इस पाकिस्तान में तो कभी भी अपना सिस्टम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम। उमर, बात यह है कि वो मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि जैसे ही इलेक्शन हुए थे हमने उसी वक्त दोनों पार्टीज को कहा था कि आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने। अगर तो ये दोनों पार्टीज उसी वक्त ऐसा स्टैंड ले लेती जैसा कि मौलाना ने लिया है, तो फिर भी कुछ बेस बनती थी, ठीक है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। लेकिन अब 1 साल 13-14 महीने गुजार के इनको होश आ रही है कि ये तो ठीक कह रहे हैं मौलाना, ये तो वाकई रिग्ड इलेक्शन है। तो इन 13-14 महीनों में बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगता है कि ये उससे बचने के लिए अब ये स्टैंड लेने जा रहे हैं, तो ये तो खुद ही नलिफाई नहीं हो जाता इनका स्टैंड? जी हाँ, तो नवाज शरीफ ने भी कहा है जेल से बातचीत करते हुए, जब वो कोर्ट में आए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फजल रहमान की पहले ही हमें बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आप खुद फजल रहमान साहब का जरा किरदार भी देखे ना, देखे PTI जो भी थी 2014 में आ रही थी तो वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए थे मनीज ने। अभी फजल रहमान साहब के 16 अरकान असेंबली में मौजूद है, कौमी असेंबली में मौजूद है, सेनेट में मौजूद है, KPK में मौजूद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आखिरी दरवाजा बंद नहीं करना चाहते, इसका मतलब यही है ना, वरना वो अगर पूरी तरह लड़ना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन धांधली ज्यादा थे जुलाई 2018 के, तो फिर इस्तीफा तो पहले बनता है ना, वो इस्तीफा दें फिर आकर करें। देखिए, इसमें दूसरा बहुत बड़ा अहम इश्यूज रहा, हमें समझना पड़ेगा, वो टाइमिंग का है। जिस तरह हाफिज साहब ने अभी बात की कि हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, जबकि हमारे पास ये तस्वीर था कि शायद रब्ता हो रहा है, हुकूमत ने रब्ता किया है, इमरान खान साहब ने कई मिनिस्टर का जिम्मा लगाया है। अब देखिए, ये हो भी रहा है, ये हो भी रहा है, उनके अगर मैं उनकी बात मानूं, उन्होंने कहा रब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, इसमें टाइमिंग क्या? आप देखिए कि इमरान खान 4 हलकों को खोलने का मुतालबा करते थे, नून लीग नहीं मानती थी। याद कीजिए, जैसे ही धरने का आगाज होने वाला था, चंद घंटे पहले नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और कहा मैं कमीशन बनाता हूं 2013 के इंतखाबात पर धांधली का। अब हुआ क्या? टाइम गुजर चुका था, हर चीज अब टू लेट। तो यहां भी मुझे ये बड़ी हैरत हो रही है, अगर हम इनकी हाफिज साहब की बात पर एतबार करें कि अगर रब्ता नहीं हुआ तो ये हुकूमत देर कर रही है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के कुछ डायनेमिक्स देखेंगे। मौलाना एक खास किस्म की पॉलिटिक्स करने के आदी हैं, वो और ये धरना कुछ मैच नहीं कर रही। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। मुजाहिद साहब, आई विल स्ट्रेट कम टू यू।
जिस तरह हाफिज़ हमदुल्ला कह रहे थे कि ये तो हमारे रज़ाकार हैं, आप मीडिया वालों ने कुछ ज़्यादा ही हाइप दे दी है इस सारे मामले को, वो तो मदद करने के लिए हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड हमारा जब भी जलसा होता है लोगों को पानी पिलाने के लिए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए हाथ में डंडे होने क्यों ज़रूरी थे, बिकॉज डंडे जब भी आते हैं जहन में तो लाल मस्जिद याद आती है और सबको पता है वो कितनी खौफनाक हिस्ट्री थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी कॉन्ट्रडिक्ट्री है इस कॉल को लेकर, मार्च है या धरना है, वो ये है कि फजलुर रहमान ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स करने के आदि हैं, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की आदत है, ड्राइंग रूम की सियासत उनको बहुत अच्छी लगती है, हमने कभी उनको इस तरीके से देखा नहीं है जा रहे हाना अंदाज में, तो ये क्या दो चीज़ें मैच कर रही हैं जो वो कह रहे हैं और जो दिख रहा है? जुनारा बीबी, जमहूरी सियासत में पस्तौर और डंडे का कोई काम नहीं, वो दलील से होती है, वाट एवर द पर्पस। जितना सादगी से हाफिज़ हमदुल्ला हमें चाहते थे कि हम उनकी बात मान लें, वो मानने वाली नहीं है। हर जमात में रज़ाकार होते हैं जो ये बताते हैं कि जी आप इधर से गुजरिए, यहाँ बैठिए, पानी पीना है तो आपको पहुँचाया जाएगा, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उसको एम्बुलेंस तक पहुँचाना, इतनी सी मैनेजमेंट की बात होती है। उनको वर्दी वगैरह या उनको कोई ख़ास निशान दे दिया जाता है, कोई टोपी खास दे दी जाती है, सिर्फ इसलिए पहचाना जा सके कि ये इंतज़ामिया में से। ठीक हो गया, हमारे पास जो मिसालें हैं कुछ इंटरनेशनल उसकी और कुछ हमारी लोकल, मुसोलिनी के गार्ड एसएस, हिटलर की और आरएसएस और खाकसार तहरीक बेलचे वाले, ठीक है, कोई रियासत ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल फोर्स, काइनेटिक फोर्स जिसे मलेशिया कहा जाता है, उसे अफोर्ड नहीं करती, ना उसे उसकी इजाज़त देनी चाहिए। मैंने भी वो वीडियो इसी तरह से देखी जैसे आपने देखी है, ना तो उनकी हरकत व सकनात जो है वो रज़ाकारों वाली थी, वो फौजी थी, वो मिलिट्री थी, ट्रेंड। और दूसरी बात कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा, ये कौन सा पानी है जो डंडे से पलाया जाना अच्छा, है। उसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि हमारी वो फोर्स जो है अगर जरूरत पड़ी तो पाक फौज के शाना बशाना जाएगी। ये हमें ना बताएं, पाकिस्तान के लोग बजट देते हैं पाकिस्तान की फौज को और कमीशन देते हैं 245 में पाकिस्तान की हिफाजत का। ये जो है ना, तहरीके तालिबान भी कहती थी कि हम फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। क्यों भाई आप इस खुशी में? बजाज साहब, क्वेश्चन में यही कर रही हूँ कि वो जस्टिफाई कर रहे थे कि असल में वो फोर्स जो है वो मुल्क की इंटरेस्ट में है। हमें हमारी आंखों में धूल, हमारी आंखों में खाक डालना चाहते हैं, नहीं डाल सकते। ठीक है, मैं कल एक कॉलम पढ़ रही थी नुसरत जावेद साहब का, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें रखी है, सलमान साहब अगर आप उस पर कमेंट करें। वो कह रहे थे कि ठीक है, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं ऑलरेडी और उनके ऊपर अगर मज़ीद कोई केस बनने जा रहा है तो उसके लिए उनको कोई अदालत लाने की ज़रूरत नहीं थी, तफ्तीशी अफसर स्ट्रेट अवे जा सकते थे उनके पास जेल में तफ्तीश करने के लिए। जिस किसी ने भी ये विंडो टूवर्ड्स मीडिया प्रोवाइड की है नवाज शरीफ को, उस बंदे को ढूंढने की और उसकी निशानदेही करने की जरूरत है, बिकॉज नवाज शरीफ के इस एक्सपोजर से नून लीग एक दफा रीइन्वेगरेट जरूर हुई है। देखिए आप क्या कहते हैं? देखिए पहली बात तो ये कोई नई बात तो नवाज शरीफ ने नहीं की, पिछले कई दिनों से ये बातें चल रही थी। सुन ले, उनका जो एक्सपोजर है ना, सुन तो ले, आप उनका एक्सपोजर देखें, आप उनका लबो लहजा देखें, उनको ये विंडो किसी ने तो फराहम की है ना, जिसने भी प्रोवाइड की, अगर आप उसको एक्सीडेंटल समझे, मैं तो उसको एक हादसाती मसला समझता हूँ, क्योंकि ये वजह जो है नवाज शरीफ साहब का जो मौकफ है JUI के साथ सपोर्ट करने का, ये बहुत पहले सामने आ चुका था। खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है, JUI का जो वफद पहले आपको पता कोर्ट में मिलने गया था, अदालत में, जेल में, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था। सवाल सिर्फ ये है कि ये बात हम सब यहाँ पे करते रहे ना कि नवाज शरीफ एक और मौकफ रखते हैं धरने के बारे में, आजादी मार्च के बारे में, और शहबाज शरीफ एक और रखते हैं। नहीं, अभी अच्छा, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। उससे पहले सुनेगा, उससे पहले बात नहीं कर रहे, नहीं उससे पहले जो है कैप्टन सफदर आके वो बात कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो मौका मिला नवाज शरीफ साहब को, उसमें सिर्फ एक एडवांटेज जो है PMLN को, कि जो नवाज शरीफ साहब प्रो नवाज शरीफ ग्रुप है उसको और JUI को सपोर्ट मिली, वो ये कि बात जो ढकी छुपी थी उसको फ्रंट पे आके जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब ने कहा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के लिए एक मुश्किल डाल दी गई है। और मुस्लिम लीग में उस ग्रुप को जो चाहते थे कि हमें आजादी मार्च में एक हद तक शिरकत करनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने मुश्किल पैदा कर दिया। और अभी भी एक सेकंड, और मैं अभी भी कहता हूं, आप देख लीजिएगा 27 तारीख को PMLN उस जॉग दर जॉग से शिरकत नहीं करेगी जिसका इजहार नवाज शरीफ साहब ने किया है। मुस्लिम लीग एक हद तक जाएगी, एक हद से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी। जी वजाद साहब, सरकारी हलकों की ये बड़ी ख्वाहिश है
कि मुस्लिम लीग नवाज में फूट पड़ गया। आप गैर सरकारी हलके की खबर बता दें। जी मैं आपसे ये दे रहा हूँ ना, शहबाज शरीफ साहब का मौकफ अलग है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ है। अच्छा। जो वो तशरीफ लाए खुद वहाँ अदालत में, उन्होंने जो मुंह से अपने बात कही, जब अभी तक फैसला नहीं किया। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग का भी अपना अभी तक फैसला नहीं कर सके वो। अरे सलमान भाई बात तो सुन लेते हैं। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ, हालांकि मुस्लिम लीग का तारीखी तौर पे जो मिजाज है वो शहबाज शरीफ वाला ही है, वो स्ट्रीट पावर का नहीं है। ठीक है सर, वो दो मिजाज है, एक कमर दर्द वाला है जिसमें वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके अपने भाई को लेने के लिए, मैं और एक जो है वो मेरी मुश्किल ये है कि और एक वो है जो जीटी रोड पे नजर आया था। दो मिजाज है, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस मिजाज को मियां नवाज शरीफ गाइड करेंगे वही मुस्लिम लीग नवाज का मिजाज होगा। अच्छा। बाकी ये जॉन ऑफ कैनेडी और शहबाज शरीफ की कमर में दर्द होता है, मियां नवाज शरीफ कोई डायनेस्टी में नहीं, मियां नवाज शरीफ का एक और मिजाज भी है। मियां नवाज शरीफ का एक और मिजाज भी है कि अपने भाई को जब रात के अंधेरे में जाके वो फौजियों से मिलते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को अपना मौकफ याद नहीं आता, उस वक्त नवाज शरीफ को अपना बयान याद नहीं आता। आपके चौधरी निसार साहब और नवाज शरीफ साहब किस मौकफ पर जाते हैं? आपका भी एक मौकफ है, जिनसे जाके मिलते हैं उनकी निशानदेही की आपने कभी? अच्छा चले, फौजी क्यादत से रब्ता करते हैं, मैं कह रहा हूँ तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया? कि रात के अंधेरे में जाके जब मुलाकातें करते थे रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में नवाज शरीफ काला कोट पहन के हाँ जी वो भी जाते रहे। आपको उनका जो मौका अच्छा लगता है वो ठीक है, जो मौका ये भी अर्ज किए दूं कि वो जो स्कैंडल था मेमोगेट, हाँ जी, उसमें एक पेशी के बाद मियां नवाज शरीफ कभी नहीं गए और वो इसके कहने पे गए थे, ये बता दें। लेकिन उसने इसके कहने पे गए थे, ये बता दें, आपके जाने पे गया था ना, मेरे कहने पे, आप कहने पे गए, आपको भी पता है किसके कहने पे गए थे? तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि उस कहने ही की जो है वो मुखालफत करना। जब लिसन टू उमर, उमर क्या कह रहे हैं? देखिए तो ना, ये कोई सादा बात नहीं कि शहबाज शरीफ जो है वो लड़ना नहीं चाहते, नवाज शरीफ लड़ना चाहते। इसमें आप एक और बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने रहनी चाहिए, वो ये कि कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग के 84 अरकान है, 84 MLAs है, और उन 84 में से उन 84 में से वाज़े अक्सरियत, मैं 84 के 84 नहीं कहूंगा, लेकिन वाज़े अक्सरियत शहबाज शरीफ के मकतबा फिक्र की हामी है, जो लड़ना नहीं चाह रही, जो देख रही है कि लीडर्स किस तरह मुस्लिम लीग होंगे गिरफ्तार हो गए हैं, हाँ, और हम अपने आप को क्यों मुसीबत में डालें, हमारी ट्रेवलिंग खत्म हो, हम क्यों कैदोबंद की सोपते काटे, वो नहीं लड़ना चाहते। अब यहाँ पर क्या सारा इशू होगा कि नवाज शरीफ और मरियम का मकतबा फिक्र जो रखते हैं वो बाहर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी है मुस्लिम लीग नून की वो उस तरीके से बाहर लड़ना चाहती है, क्योंकि उनके स्टेक सिस्टम के साथ है। आप ये भी देखे ना, शहबाज शरीफ जो है वो आजाद घूम फिर रहे हैं ना, या शहबाज शरीफ के जो पीछे MNAs की अक्सरियत 84 है, वो आजाद घूम फिर रहे हैं, वो अपने आप को उस कैटेगरी में फॉल नहीं करना चाहते कि हम भी गिरफ्तार हो जाएं, हमें भी कल कला को हमारे केस खुल जाएं, हमारे भी करप्शन के इल्जाम लगे। तो ये बहुत बड़ी रुकावट होगी मुस्लिम लीग नून, ऑल ओवर सामने नहीं आएगी मुल्ला फजल रहमान के मार्च में, ये पार्लिमानी आप अगर आप देखें ताकत जी। वजह साहब मैं आपसे ये अर्ज किए दूं कि उमर जो फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, इसलिए कि वो इलेक्टेबल्स हैं और उनकी ये तारीख रही है, और वो मियाँ इमरान के जो साथी थे उन्होंने भी इस्तीफे नहीं दिए थे, लेकिन मुश्किल उनके लिए ये है कि इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड के रास्ते आके नवाज शरीफ ने उनको अपनी पार्टी की ट्रांसफॉर्मेशन का जो इशारा दिया, वरना अब तक जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग्स और फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दें, कितने लोग बाहर निकले थे दिखा दें, क्या इस्तीफा दे देना सलमान साहब, एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि देखिए सियासी जमातों का जो करेक्टर होता है, जो मौकफ होता, जो भुट्टो 68 में पीरजादा के साथ और हमीद के साथ बैठ के सियासत के हद खालचा करता था, वो 78 में जेल में नहीं था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जीटी रोड के मार्च से क्या ट्रांसफॉर्मेशन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट की इज्जत के लिए जो मामला है उस पर इलेक्टेबल कहीं और खड़े हैं और मुस्लिम लीग नवाज के हामी कहीं और खड़े हैं। तो ये वाज़े डेंट है। तो मैं ये ओहो मतलब वो तो उन्होंने देना है ना सर, ये डिवीजन है, तो है भाई इसीलिए वो नहीं हिल रहा, हिल उसी डिवीजन की उम्र बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो उनसे एग्री कर रहा हूँ। ओके, तो एट सम पॉइंट अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं और करते रहे हैं, तो ये जो दोनों तरफ खेलना होता है ये कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होता है ना, ये सारी उम्र तो जारी नहीं रह सकता। शहबाज शरीफ जो है वो बहुत आहिस्की के
ساتھ لیکن انویٹیبلی ہی از فالوئنگ بائی دی سائیڈ. اوکے تو اب میرا ذرا موقف سن لیں, اب یہ بتا دیجئے جی, مجھے ایک سوال مکمل کر لینے دیں. اب یہ بتائیے کہ اگر اس کلیئر کال کے بعد جو کہ نواز شریف نے دیا کہ فل سپورٹ دیں آپ جے یو آئی ایف کو, اس کے بعد بھی اگر ہاف بیکڈ پروڈکٹ کی طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نواز میں جو ہے وہ جو دو دھڑے ہیں ان کی بات کہی جا رہی ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن میرا اپنا, میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ شہباز شریف کی کمر میں جتنا بھی درد ہو ان کو دھرنے میں شرکت کرنی پڑے گی. دھرنے تک تو وہ جائیں گے, مارچ کی بات کر رہے ہیں. جی سلمان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. میں آپ کو طرف کھیلنے کا سنیں, میں آپ کو ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ساری عمر کی جو پالیٹکس ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اور وہ اپنا ایک دوسرا کریکٹر بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سنے تھا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے دو افراد کو چھوڑا ہوا تھا, چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب. ان کو وہ بھیجتے تھے باقاعدہ کہ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. سن لینا ذرا, پہلے تو یہ طے کر لیں نواز شریف صاحب کہاں کھیلتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ 27 تاریخ آ جائے گی, آپ بھی یہیں پر ہوں گے, میں بھی ہوں گا, وجاہت مسعود بھی ہوں گے. ہم یہ دیکھ لیں گے, ہم یہ دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے جس نے کانسٹیٹیونسی سے اپنے لوگوں کو نکالنا ہے کہ آئیے جلسے جلوس میں چلتے ہیں, کس حد تک وہ جو جس کا عمر نے اظہار کیا ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو جی ٹی روڈ کا ہے نا, وہ ویڈیو نکال لیں اور دیکھ لیں کہ وہاں لاکھوں کا جو جمع غفیر تھا وہ کہاں تھا, جو ہمیں نہیں دکھایا وہ باقی سب ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ تھا جتنا عمران خان کے دھرنے میں تھے. جی بالکل, ہمیں بھی پتا, وہ دیکھ لیں, دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, دکھا لیتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے. جو کمیشن آف مسلم لیگ نون ہے اس میں کس قسم کے لوگ ہیں؟ تاجر برادری زیادہ ہے, انویسٹر بزنس مین زیادہ ہیں. ان کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا, بریک کے بعد یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف پروبیبلی ہیز نتھنگ ٹو لوز, اس لیے زیادہ پرابلم میں اس وقت شہباز شریف اور جو ان کے ساتھ سینئر رفقا ہیں ان کے, وہ زیادہ ڈیسیژن میکنگ میں پھنسے ہوئے اس وقت. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دس لاسٹ سیگمنٹ آف دا شو. آزادی مارچ کا حتمی لائحہ عمل شہباز شریف اور فضل الرحمان کل ملاقات کریں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے. میرا کوسچن اور ایک سجیشن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا سچویشن کو ازیوم کر کے چلیں, انالیٹکلی چلیں, تو نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو لوز. نمبر ون, وہ قائد بن کے بیٹھ گئے ہیں, سیاست بھی انہوں نے بہت کر لی, اور نمبر ٹو انہوں نے لیگیسی اپنی ٹرانسفر کر دی ہے اپنی بیٹی کو. اب ڈائنیسٹک پالیٹکس تو ہماری آف کورس ایسی ہیں کہ جمہوریت کو آپ بھول جائیں وین اٹ کمس ٹو پولیٹیکل پارٹیز, اندر جمہوریت نہیں ہے ان پارٹیز میں. اس کے بعد اگر کوئی اسٹیک پہ ہے تو وہ شہباز شریف کی اپنی سیاست ہے, بیکاز یا انہیں اب اس طرف کھڑا ہونا پڑے گا یا اس طرف, تو چوائس از ہز. تو عمر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ زیادہ بڑا مسلم لیگ نون کی یونٹی کا ہے کہ خود ہی دستبردار ہو جائیں گے شہباز شریف ایسی سیاست سے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ذرا, جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ ڈبل وکٹ پر شہباز شریف کھیلتے آئے ہیں, اب میرے خیال سے ایسا ٹائم ہے کہ شہباز شریف کو واضح طور پر یا تو اس طرف یا تو پھر کھل کر. ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو میں ملاقات کا بھی ذکر کر رہی تھی وہ دو دن مزید آگے بڑھ گئی ہے. یہ اب دیکھیں ذرا, جی ابھی آگے بڑھی ہوگی, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کمر میں درد کا تو نہیں, وہ ایشو دوبارہ آ گیا, ابھی یہ نہیں معلوم کہ کہاں درد ہوئی ہے اور کس کو ہوئی ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کا بہت پرانا مسئلہ ہے, یہ مشرف دور کا, غلام شاہ خان دور کے مسئلے ہیں. لیکن اتنا ہم ان کو بچہ بھی نہیں سمجھ سکتے نا, مطلب دیکھیں انہوں نے پنجاب کو کمانڈ کر کے انہوں نے جس طرح اپنے بھائی کو سپورٹ وفاق میں وہ کرتے رہے, یہی تو ان کی اپنے بھائی کی طرح کھل کر نہیں لڑتے. لیکن اب میرے خیال سے یہ وقت ایسا آ رہا ہے, دیکھیں اس سے پہلے شہباز شریف کئی دفعہ یہ کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایئرپورٹ تک وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں پہنچ پائے تھے الیکشن سے چند دن پہلے, اس سے پہلے بھی وہ ڈبل وکٹ کی طرف, کبھی مشرف کے ساتھ, کبھی غلام اسحاق خان کے ساتھ, کبھی کدھر کبھی کدھر. لیکن اب جو یہ فیصلہ آ رہا ہے, کیونکہ اس میں نواز شریف نے سب کچھ خود ایکسپوز کر دیا, یہ ٹیسٹ اصل میں شہباز شریف کا, وہ نواز شریف کو موقع ملا, انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا میں نے خط بھیج دی ہے اور فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوئے مکمل طور پر جا کر. اب یہاں سے اگر شہباز شریف اس طرح چو چو میں تو میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر واضح درار ہو گئی ہے. تو درار تو ہے, آپ دیکھیں احسن اقبال بھی اس طرح نہیں بول رہے جس طرح پہلے بولا کرتے تھے, راجہ ظفر الحق جو ہیں وہ بھی آپ کو غائب نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ خواجہ آصف کو دیکھ لیں آپ, دوسرے کیمپ میں آپ کو احسن اقبال جو ہیں, دوسرے کیمپ میں آپ کو زیادہ تر وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مریم کے کیمپ کے لوگ ہیں, مریم اورنگزیب ہیں اس میں, اور اس کے جی آپ سر ہلا رہے ہیں وجہ سے, سوری وہ میں نے کہا مریم والے نام پہ کوسچن مارک ہے, پرویز رشید ہاں وہ ہیں, اور کون ہیں,
चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अच्छा, तो मरियम को अभी अपना आप प्रूफ करने के लिए नंबर वन बाहर आना है और नंबर टू उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। तो 84 लोग जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं वो अपने बल पे इलेक्शंस लड़ के बार बार इन असेंबलियों में आए हैं, हम उनको ईजी नहीं ले सकते। उमर आपसे बात करें। जी जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए इन 84 में से कुछ तकसीस ये कर लें जो खास तौर पर अर्बन एरिया से नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब की मुस्लिम लीग नून ने सीटें ली हैं, लाहौर से सीटें ली या फैसलाबाद से जो एका दुका सीटें ली, वो तो जरी बात है काफी हद तक जो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शंस लड़ के असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, ये उनको चैलेंजिंग पोजीशन में डालने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, असल में आप ये देखिए ना कि आप देखिए 97 से 99 तक नवाज शरीफ के हर जलसे हर तकरीर की सबसे बड़ी बात पता क्या होती थी? भारी मैंडेट। और उनको वाकई 97 के इलेक्शन में इतना भारी मैंडेट मिला था जो 1946-47 में मुस्लिम लीग को नहीं मिला था, इतना भारी मैंडेट था 1997 में नवाज शरीफ के पास। उसके बावजूद देखें 12 अक्टूबर 99 का कू हुआ, उसके एक साल के बाद जो उनकी अक्सरियत थी 130 प्लस एमएनएस थे 207 में से, वो किस तरीके से काफ लीग का हिस्सा बने, right. जो अक्सरियत थी वाज़े तौर पर, तो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री ये रही है ना, मुस्लिम लीग की पार्लियामानी तारीख ये रही है, ये शुरू से ही रातों रात पूरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई की जो उम्मीदवार की हमायत है उस पर पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों ने वजह से बहुत एहतजाज किया है कि वफाक में किसी और डायरेक्शन में आपकी सियासत जा रही है, सूबाई लेवल पे किसी और लेवल पे जा रही है, करने आप धरना जा रहे हैं, तो इससे मौलाना साहब क्या साबित होते हैं? मौलाना साहब की जो फसील है उसमें रखने हैं तो वो रखने, बिल्कुल निसार खोड़ों ने जो सवाल उठाए हैं और बिलावल साहब ने अंदरून खाना इस पर जो राय दी है, बिल्कुल तीन बातें मैं आपसे अर्ज करूँ सुनारा जो आपने पिछले शुरू में कही हैं। वन, आपने कहा कि नवाज शरीफ हैज़ नथिंग टू लूज, माई रिस्पॉन्स इज शहबाज शरीफ हैज़ नथिंग टू गेन, इज ऑन हिज वे आउट। वन टू मैं अर्ज किए दूंगा, कुछ नहीं हासिल कर सकते इसमें। देखिए शहबाज शरीफ साहब को अब तक जितनी लोली पोपी मुख्तलिफ हलकों से मिलती आई है ना 98 ऑनवर्ड, वो सिर्फ इसलिए है ताकि किसी तरह से नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जा सके। टू, आपने कहा डायनेस्टी, तो माफ़ कीजिएगा मुर्तजा भुट्टो और हमजा शहबाज क्यों उस डायनेस्टी में नहीं आ सकते? जो आएगा जो सामने खड़ा होगा उसी को डायनेस्टी में मिलेगी। ये तो आप पता है सिलेक्टिव जस्टिस करते हैं, जहां जो चीज सुटेबल लगे उसको वहां से पिक एंड चूज कर लो। वैसे आप जमहूरियत के अलमबरदार हैं, लेकिन आप कभी नहीं ये कहते कि हाँ नून लीग के अंदर जमहूरियत नहीं है, पीपल्स पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, आप मानते ही नहीं है, आप मानते ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है। अच्छा चलिए, वो आपने तो नहीं डिसाइड करना कि मरियम नवाज को जो प्रूफ करना था वो जेल जाके कर चुकी हैं। अच्छा, मंडी बहुत अच्छा, आम आदमी जेल जाए तो उसकी बेइज्जती होती है, मरियम नवाज जेल जाए वो पॉलिटिकल, वो कुछ प्रूफ कर देती है। सर प्लीज, ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स हम अपने एनालिस्ट और इंटेलेक्चुअल से नहीं एक्सपेक्ट करते, आम आदमी बोले तो वो हम समझ सकते हैं। वो जेल ही इसलिए गई है कि वो प्रूफ कर चुकी हैं। सर क्या प्रूफ किया उन्होंने? मनी लॉन्ड्रिंग। आप सियासी कैदियों को और जिन लोगों पर माली बदनवानियों के मामलात हैं इन दोनों को अलग-अलग करके अच्छा सुन लेने तरीका गलत तय होगा ना, आपने तो नहीं तय करना, कोर्ट ने तय करना। यार मैंने तो नहीं तय किया, कोर्ट ने इनको सजाएं दी है ना, अगर आप इन अदालतों को नहीं मानते तो अलग बात है। नहीं, अदालतों को क्या क्या माने भाई, 64 साल से किनारे में है भाई साहब, जो कोर्ट ने नहीं तारीख में है भाई साहब, कोर्ट ने नहीं तारीख में, जिसका भुट्टो एक सियासी कैदी था, यही तो मैं कह रहा हूं भाई, बात ये है गफ्फार खान, अली खान, अताउल्लाह मेंगर, बात ये है, बात ये है करप्शन का इल्जाम, अच्छा बात ये है कि करप्शन का इल्जाम देने का तरीका ढूंढा है ना, बात ये है कि फैसला तारीख से है, मुझे क्लोजिंग देनी है सलमान साहब, मुझे क्लोजिंग देनी है। ये डिबेट जो है ना, ये इस पे हम कभी भी एग्री नहीं कर सकते कि कौन सियासी कैदी था और कौन नहीं था, इसलिए कि हम सब इस कवर में छुपने की कोशिश करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बहुत आगे बढ़ बढ़ के कोई लीडर ये कहता है कि फलां के एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं, तो कोई एक लीडर, हमारा सो कॉल्ड लीडर, मुझे ऐसा गिनवा दें जिसके एस्टेब्लिशमेंट से राबते ना हों। दूसरा, वजीर आला जो है उन्होंने पंजाब की मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की है, इस पर तो सिर्फ हंसा सकता है, मतलब आपकी रिट है, आप इस वक्त मैनेज कर रहे हैं 60% वाले हमारे एक सूबे को और आप कह रहे हैं कि अच्छा ये मसनूई काम कोई कर रहा है, इसको बैठ के जरा सोचना पड़ेगा। तो बुज़दार साहब जो हैं वो कहीं नो बॉल होते होते बिल्कुल ही गेम से आउट ना कर दें इमरान खान को, उन्हें सोचना पड़ेगा। आई विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रऊफ हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यूट्यूब चैनल हमारा है इंडस न्यूज, इसको सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी मालूमात मिलेंगी और आप पाकिस्तान का इमेज बाहर पहुंचाने में मददगार भी साबित होंगे।